पहुंच चुके मैग्नेटिक हिल। वो कब खुल जाएगा इसीलिए यहाँ चले मन। हाँ ये चले। जूले एवरीवन। जूले। तो डे टू फ्रॉम ले। तो कल ठीक है, अभी हमारा स्टे था यहाँ पे स्काईलैंड गेस्ट हाउस ले में, बढ़िया था स्टे। अभी हम निकल रहे हैं कारगिल साइड, कारगिल ही जाएंगे, बट रास्ते में दो तीन चीज़ें हैं लाइक मैग्नेटिक हिल और पत्थर साइड गुरुद्वारा जी, तो वो करेंगे और एक दो चीज़ें और हैं कॉन्फ्रेंस एक, तो वो सब कुछ करेंगे। अभी हमने बुक करी है यहाँ पे हिमालयन, तो अपने साथ 6-7 दिन तक हिमालयन है और इसी पे होने वाली पूरी राइड। तो फिर एक्साइटमेंट कितना आता है भाई? बाइक ले ली है, रास्ता नापना है हमें, पूरा ले हमने कवर कर लेना। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? लेट्स गो। तो फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी सबसे पहले ये काम है यहाँ से थोड़ा पेट्रोल पंप ढूंढना और वो करके फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो चलिए जी, ऑल सेट। मंदर जी बैठ गए पीछे और निकल रहे हैं यहाँ से। क्या बात है। तो ये है फिर ले का मार्केट मॉल बोल रहा था इसको। और राइट, तो अभी आ रखे हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब। तो यहाँ पे दर्शन किए, अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बाहर से दर्शन किए, अंदर जाके दर्शन किए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और अभी मनिंदर से पूछते हैं यहाँ की हिस्ट्री क्या है, वो बताएगा क्लियरली क्या हिस्ट्री यहाँ की। तो मनिंदर जी, सो ये है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। इसकी गाथा ये है कि गुरु नानक देव जी जब अपनी दूसरी यात्रा पे थे, वो दूसरी यात्रा करके नेपाल सिक्किम से इस तरफ आए थे, तिब्बत से इस तरफ आए थे, लेह में रुके थे इस तरफ। और कहते हैं कि यहाँ पे एक शैतान था, डीमन, सो वो यहाँ के लोकल्स को काफ़ी परेशान करता था, खा जाता था और ऐसी ऐसी चीज़ें। सो जब गुरुजी को ये बात पता चली तो गुरुजी ने इधर आके स्थान पे आके उन्होंने ध्यान किया, और जब डीमन ने उन्हें इस पहाड़ की चोटी से इस तरफ से ही देखा कि गुरुजी बैठे हुए, वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, तो उसने सोचा कि गुरुजी को मारने की शंका से उसने एक बहुत बड़ा पत्थर बोल्डर उनकी तरफ लुढ़का दिया इस पत्थर से। तो जब पत्थर लुढ़क के गुरुजी पे आया और उस पर लगा, तो पत्थर पे गुरुजी को पत्थर जब छुआ तो वो स्पर्श की तरह मोम की तरह पिघल गया और उनके शरीर का छाप उस पत्थर पे रह गई। तो जीवन को लगा कि शायद अब गुरुजी नहीं रहे, तो नीचे आके देखता है और देखता है गुरुजी अभी मिलीन अवस्था में है और उनको अपने राइट पैर से मारने की कोशिश करता है और वो पैर भी उनका उस पत्थर में फंस जाता है। तो डीमन को समझ आ जाता है ये
कोई बहुत देवी शक्ति हैं और भगवान के कोई अवतार हैं, तो फिर गुरु जी उनको सही राह दिखाते हैं और उनको बताते हैं कि सही राह पे जाने की ब्लेसिंग्स देते हैं और वो बोलते हैं, और तब वो जीवन शांत हो जाता है और वो इस जगह को वो करती है, शांत हो जाती है जगह और ऐसा कुछ नहीं रह पाता। थैंक्स टू मनिंदर फॉर दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस प्लेस। तो सीन क्या है, ये बहुत प्यारी जगह है, देखो एक बार पूरा मतलब टेरेंस ऐसा ना, और व्यू तो अल्टीमेट है। यहाँ से निकलते हैं आगे और मनिंदर चला रहे हैं गाड़ी, हम बैठे हैं पीछे, चलो पाजी और हम चले। पहुंच चुके मैग्नेटिक हिल, तो सो कॉल्ड मैग्नेटिक हिल, यहाँ पे जो बोलते हैं कि ऐसा कुछ है मैग्नेट वाला, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आई थिंक ये कम्प्लीटली इल्यूजन है। अच्छा, हमको सिखा रहा है, ध्यान से देखोगे आप तो हल्का सा एलिवेटेड है, पूरा एलिवेटेड है, तो जो ये लग रही है कार जा रही है आगे तो कार आगे जा रही है, तो इट्स जस्ट कि ये इंक्लाइंड है तो इसलिए जा रही कार, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी टेस्ट करते हैं, ये हम टेस्ट करेंगे, अभी हम टेस्ट करेंगे, अभी दूर से आए बड़े, क्या नेट जी से आए तो आइडियली कार बैक जा रही है, बट द रीज़न इज इंक्लाइनेशन, तो आप ध्यान से वैसे दिखेगा नहीं बट ये इंक्लाइनेशन है पूरा, तो आई थिंक 15 डिग्री का आराम से इंक्लाइनेशन है जिसकी वजह से ये। जो लास्ट चीज़ हमारी आज की रहती है वो है ये हॉल ऑफ फेम, तो ये भी कवर करते हैं जल्दी से। चलिए जी, ये भी कवर हो गया हॉल ऑफ फेम, मज़ा आया देख के। तो मनिंदर कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं इस पर। सो एक्चुअली नॉट अबाउट वन टू और अ ग्रुप ऑफ हीरोज, सो इंडियन आर्मी के बारे में इतना कुछ अंदर पता चला है कि हम शायद एक दो मूवी से किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हीरोज़ हैं, काफ़ी अनफॉर्गेटेबल हीरोज़ हैं,
जो हम नहीं जानते हैं, और इस टेरेन में लेह लद्दाख में इतने पॉइंट्स पे इतनी फाइट्स और इतने चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, दैट्स अ हैट्स ऑफ फॉर इंडियन आर्मी। आई थिंक नो वन एल्स कैन डू इट एक्सेप्ट देम। चलो इस मोटिवेशन के साथ चलते हैं आगे और यहाँ से निकलते हैं। आज का हो गया कम्प्लीट और यहाँ से निकलते हैं रूम के लिए लेक के साइड। चलिए जी हम रूम पे पहुँच गए हैं, तो पहला दिन करते हैं ऑफ और हो गया आज का, बढ़िया रहा सब कुछ। फिर कल देखते हैं कल क्या कवर करते हैं। चलो फिर मनिंदर बाय बाय करो, ठीक है? चलो साइनिंग ऑफ, बाय बाय। When they see me pouring some wine, oh, then gets empty again. Better fill it up before I go.